अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9 के लिए और आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल पार्ट 4। तो इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स माइनस टू एंड टू एक्स माइनस वन आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर देन शो दैट पी इक्वल टू आर। इसमें लिखा क्या है कि अगर इस पॉलिनोमियल, बेसिकली फैक्टर्स का मतलब क्या है, फैक्टर्स का मतलब कि सपोज हम लिखे फाइव इज अ फैक्टर ऑफ 15। इसका मतलब क्या है, 15 फाइव से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 15 फाइव से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, अगर हम 15 को 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ये कट जाएगा पूरा 5 3 जा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, कुछ नहीं, पूरा कट गया मतलब रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पर भी इसी तरह का कंसेप्ट यूज़ करना है कि x माइनस टू एक फैक्टर है पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर का। मतलब क्या है, अगर हम पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर को x माइनस टू से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमको 0 मिलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया फैक्टर। फैक्टर होने का मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर एक्स माइनस टू से पूरा डिवाइड हो सकता है, यानी रिमाइंडर 0 मिलेगा अगर हम डिवाइड करें तो। उसी तरह 2x माइनस वन भी एक फैक्टर है इसका पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर। तो यहाँ भी जब हम इस पॉलिनोमियल को 2x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो ये दोनों फैक्टर दिए ताकि हम p और r का वैल्यू निकालें और इक्वल प्रूफ करें। लास्ट में p और r का वैल्यू इक्वल आएगा, यानी दोनों बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम x माइनस टू से शुरू करते हैं। तो पहले भी वीडियो बताया था इससे पहले कि जिससे डिवाइड करना होता है उसको 0 पहले लिख दें, फिर x का वैल्यू कितना आएगा, 2। अब हमको क्या निकालना है, f 2। यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर एफ एक्स लिख दीजिए, और इसी में हमको f 2 निकालना, मतलब यहाँ पे x की जगह 2 पुट करना। यहाँ पे वैसे ही करते हैं, p यहाँ पे x की जगह 2 लिख देना है, फिर 5, फिर x की जगह यहाँ पे 2 लिख देना है प्लस r। तो ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 4p, 5 2 10 प्लस r। अब यहाँ पे ये क्या आया, ये मेरा रिमाइंडर है 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू रिमाइंडर। अगर हम पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर को x माइनस टू से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर थ्योरम यही बोलता है कि x का वैल्यू जो है 2, f 2 जो निकालते हैं 4p प्लस 10 प्लस r, यही रिमाइंडर होगा। अब हमको पता है क्योंकि x माइनस टू फैक्टर है इसका, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। जैसे यहाँ पे 0 बचा था वैसे यहाँ पे भी 0 ही बचना चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 लिख दिए, 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। इसका आप पहले इक्वेशन समझ लीजिए। अब उसी तरह हम दूसरा फैक्टर यूज़ करेंगे, 2x माइनस वन, 2x माइनस वन यहाँ पे फिर इक्वल टू 0 लिख दीजिए, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, ये 2 नीचे चला गया। अब फिर हमको इसी एफ एक्स में एफ 1/2 निकालना पड़ेगा। इस एफ एक्स में पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर, इसमें हमको 1/2 एफ 1/2 निकालना है, मतलब एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1/2 पुट करना। तो यहाँ पे कर देते हैं, पी लिखते हैं, यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह 1/2 लिखना है हमको, 1/2 लिख दिए स्क्वायर, फिर 5, एक्स की जगह क्या लिखना है, 1/2 प्लस आर। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 नीचे था तो 4 नीचे रहेगा, 5 × 1/2 क्या हो जाएगा, 5/2, 5 × 1 5, नीचे में 2। अब यहाँ पे भी आप देखिए, ये भी रिमाइंडर ही होगा,
डिवाइड करने से, और इस ये भी एक फैक्टर बोला गया, 2x माइनस 1 भी एक फैक्टर है इसका, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0, तो यहाँ पे भी हम 0 लिख देंगे, p बाई 4 प्लस 5 बाई 2 प्लस r। ये दूसरा इक्वेशन, अब देखिए दोनों ही 0 के बराबर है, 4p प्लस 10 प्लस r, ये भी रिमाइंडर था, ये भी 0 है, p बाई 4 प्लस 5 बाई 2 प्लस r, ये भी रिमाइंडर था और ये भी 0 है, तो दोनों ही बराबर है, दोनों ही 0 के बराबर है, तो हम दोनों को ही बराबर लिख सकते हैं, 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू, ये 4p प्लस 10 प्लस r, और ये दोनों बराबर लिख देते हैं, p बाई 4 प्लस 5 बाई 2 प्लस r, ये दोनों बराबर हो गया, इससे हम इसको काट दिए। अब p वाले टर्म इधर लेके आ जाते हैं, 4p, ये वाला p बाई 4 इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो गया, इस 10 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, और ये 5 बाई 2 पहले से था। अब यहाँ से हम डायरेक्ट देखें, 4 4 से 16, 16 माइनस 1 15, 15 पी बाई 4, यहाँ भी वैसे ही देखें, 2 10 जा 20, माइनस 20 रहेगा, और यहाँ पे प्लस 5, 15 पी बाई 4, और यहाँ पे 5 माइनस 20 माइनस 15, अब इस 15 से इस 15 को काट सकते हैं, अब पी कितना आएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, माइनस 4 बाई 2 माइनस 2। अब यहाँ से पी का वैल्यू तो निकल गया, हमको आर निकालना है, तो किसी एक में हम पी का वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन ही में, क्योंकि ये वाला फ्रैक्शन में, इसलिए हम यहाँ पुट नहीं कर रहे, यहाँ पुट कर दे रहे, 4p प्लस 10 प्लस r में p का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, और यहाँ पे 4 के जगह हम p का वैल्यू, यहाँ पे p के जगह हम इसका वैल्यू माइनस 2 पुट कर दे रहे हैं, प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, अब 4 टू जा 8, ये माइनस में रहेगा, अब 10 माइनस 8 2 प्लस r, अब r इक्वल टू ये 2 इधर चला जाएगा तो माइनस 2, तो आप देखिए यहाँ पे p का वैल्यू भी माइनस 2 आया, r का वैल्यू भी माइनस 2 ही आ रहा है, मतलब क्या है, p इक्वल टू r इक्वल टू माइनस 2, प्रूव्ड, प्रूव कर दिए कि p का वैल्यू माइनस 2 है, r का वैल्यू भी माइनस 2 है, तो दोनों ही बराबर हो गया, हमको यही बोला गया था क्वेश्चन में, शो दैट p इक्वल टू r, p इक्वल टू r प्रूव कर दिए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, फैक्टर्स दिया हो, हमको ये समझ लेना है कि हमको इस तरह लिखना और रिमाइंडर लास्ट में 0 कर देना, जैसे ही हमको लिखा फैक्टर, हमको ये समझ लेना है कि इसी तरह करना है हमको, और लास्ट में 0 पुट कर देना है, इसी से ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है, इफ द पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल है, 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस b इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1, देन रिमाइंडर्स आर 7, 7 एंड माइनस 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसका मतलब क्या है, इस पॉलीनोमियल को जब हम x माइनस 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया, 7, जब हम x माइनस 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया मेरा 7, उसी तरह जब हम इसी पॉलीनोमियल को 2x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है मेरा माइनस 3, कितना आता है रिमाइंडर, माइनस 3, इस पॉलीनोमियल को 2x प्लस 1 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर माइनस 3, तो दोनों का वैल्यू पता करना हमको, a का और b का वैल्यू पता करना है इसी चीज़ से, तो वैसे ही करना है हमको, x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करना है, फिर x का वैल्यू 2 आएगा, फिर f2 निकालेंगे, इससे रिमाइंडर मिलेगा, फिर दूसरे तरफ 2x प्लस 1 में भी इक्वल टू 0 करना है, x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 आएगा, इसमें पुट करना है, और फिर दोनों दो इक्वेशन मिलेगा सॉल्व करना, तो हम उसी तरह सॉल्व करते हैं, सबसे पहले x माइनस 2 वाला करते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आएगा, तो हमको f2 निकालना है, यहाँ पे fx लिख लीजिए, 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस b, ये लिख दिए, अब
एफ टू हम निकालते हैं, तो एफ टू क्या होगा, यहाँ पे एक्स के जगह हमको टू पुट कर देना, टू यहाँ पे एक्स के जगह टू लिख दिए, क्यूब था तो क्यूब कर दिए, थ्री एक्स के जगह टू पुट कर दिए, फिर यहाँ पे एक्स के जगह टू पुट कर दिए, ए को वैसे ही रहने देंगे, बी को भी वैसे ही रहने देंगे, तो ये कितना आएगा, टू का क्यूब एट, एट टू ज़ा 16, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री ज़ा 12, प्लस ए इंटू टू टू ए प्लस बी, तो ये कितना आएगा, फोर प्लस टू ए प्लस बी, कितना आया 16 माइनस 12 फोर आएगा, प्लस टू ए प्लस बी। अब यही रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम से इसी को हम रिमाइंडर लिख देते, एफ टू का वैल्यू जो आया वो मेरा रिमाइंडर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले केस में x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7, तो यहाँ पे हम रिमाइंडर की जगह 7 लिख देंगे। अब क्या होगा, इस 4 को हम इधर लेके आ जाते हैं, 2a प्लस बी इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, तो ये पहला इक्वेशन मिला हमको 2a प्लस बी इक्वल टू 3। अब उसी तरह हम दूसरे वाले में देखते हैं, 2x प्लस 1 वाले में कैसे करना है, हमको यहाँ पे कैसे करेंगे, फिर वैसे ही 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखिए, 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/2, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, x इक्वल टू माइनस 1/2, इसी पॉलिनोमियल में हमको माइनस 1/2 पुट करना है x के जगह, तो f माइनस 1/2 लिखते हैं हम, f माइनस 1/2 क्या होगा, 2 x की जगह क्या लिखना है अभी, माइनस 1/2, क्यूब था तो क्यूब कर दिए, प्लस 3, सॉरी माइनस 3, यहाँ पे 3 x की जगह क्या लिखना है, माइनस 1/2 स्क्वायर, फिर प्लस a माइनस 1/2, यहाँ पे x की जगह माइनस 1/2, प्लस b, अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए माइनस पे जब भी ऑड पावर है, ये 3 का एक ऑड नंबर है, माइनस पे जब ऑड पावर रहेगा तो आंसर में भी माइनस आएगा, बाहर भी माइनस ही रहेगा, तो यहाँ माइनस आ गया। अब यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होगा, ऊपर 1, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, उसी तरह माइनस 3, माइनस पे इवन पावर होता है तो हमेशा प्लस ही आता है, यहाँ पे प्लस ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे बाहर में पहले से माइनस था तो इसको हम कुछ नहीं किए, जैसे था वैसे ही लिख दिए, अंदर पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस पे इवन पावर प्लस होता है। अब यहाँ पे फिर देखिए माइनस इंटू प्लस, माइनस ही होगा, ए इंटू 1 ए और नीचे में 2 प्लस बी, अब इस 2 से 8 को काटेंगे, माइनस 1/4, ये 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3 होगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा मल्टीप्लाई करके, नीचे में 4 माइनस 1 a/2 प्लस बी। अब यहाँ पे अगर एलसीएम ले ले, 4 दोनों तो 4 ही है, यहाँ पे क्या होगा माइनस 1, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे माइनस 1, 4 1 ज़ा 4, तो माइनस 3, ये मल्टीप्लाई करके यही आएगा माइनस a/2 प्लस बी, क्या आ जाएगा माइनस 4/4 माइनस a/2 प्लस बी, इससे इसको काट दे तो कितना आएगा माइनस 1 माइनस a/2 प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए ये भी डिवीजन प्रोसेस में, ये क्या f माइनस 1/2, इसमें रिमाइंडर कितना बोला था, माइनस 3 बोला था, 2x प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 रिमाइंडर आएगा, तो ये तो पहले लिख दिया हम, ये रिमाइंडर इस जैसे यहाँ पे लिखे थे रिमाइंडर, यहाँ पे लिए रिमाइंडर लिख दिए। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बोला है क्वेश्चन में, माइनस 3 बोला है, यहाँ पे माइनस 3 लिख दिए और यहाँ पे इसी को उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस 1 इधर चला जाएगा, कितना आएगा, ये a/2 इधर ही रहने दिए, प्लस बी और ये माइनस 3 प्लस 1 माइनस a/2 प्लस बी
इक्वल टू कितना होगा, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू। तो ये दो इक्वेशन हमको मिला, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ये दोनों को हम यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ए और बी का वैल्यू निकालना। तो अब यहाँ देखिए, दोनों क्वेश्चन अलग पेज में उतार ली, टू ए प्लस बी इक्वल टू थ्री माइनस ए बाई टू प्लस बी इक्वल टू माइनस टू। ये दोनों को सॉल्व करें हम, कैसे करेंगे, साइन चेंज कर दीजिए। ये क्या होगा, बी और माइनस बी कट जाएगा, टू ए प्लस ए बाई टू, टू ए प्लस ए बाई टू, और यहाँ पे क्या होगा, थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू फाइव। यहाँ देखिए, टू टू ज़ा फोर, फोर प्लस वन फाइव ए बाई टू, और यहाँ पर टू थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, इस फाइव से फाइव को काट देंगे, ए का वैल्यू मेरा निकलेगा टू। ए का वैल्यू कितना निकला, टू। अब फिर बी का वैल्यू निकालना है, तो कोई एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी में पुट कर देते हैं, टू ए प्लस बी इक्वल टू थ्री। ए का वैल्यू कितना निकला यहाँ से, ए का वैल्यू टू निकला, तो यहाँ पर टू का वैल्यू पुट कर दे, एक की जगह टू लिख दिए, टू टू ज़ा फोर प्लस बी इक्वल टू थ्री, और बी इक्वल टू थ्री माइनस फोर माइनस वन। तो दोनों का वैल्यू निकल गया मेरे पास, ए का वैल्यू टू निकल गया और बी का वैल्यू माइनस वन निकल गया। तो ये दो तरह का क्वेश्चन हम आपको कराएं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब हमको दो तरह का डिवीजन देगा, दो रिमाइंडर दे सकते हैं, कुछ भी इस तरह देगा, तभी हमको ए और बी का वैल्यू मिल सकते हैं। क्योंकि दो यहाँ पे वेरिएबल है, ए और बी, तो यहाँ पे हमको दो इक्वेशन भी चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल का आखिरी वीडियो था चैप्टर का, तो इसमें इतना ही क्वेश्चन है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।